सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू भी एस और माइक्रो लेक्चर। जैसे माइक्रो कोर्सेज छोटे कोर्सेज, और ये हमारा जैसे छोटा सा लेक्चर माइक्रो लेक्चर। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इस बेसिकली लेक्चर में क्या करते हैं, हम एक करते हैं कॉन्सेप्ट प्लस उससे रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्लियर? तो ये हमारा जैसे माइक्रो कोर्स है, वैसे ही हमारा माइक्रो लेक्चर है। छोटा लेक्चर बड़ा धमाका, यानी छोटा कोर्स और बड़ा धमाका करेंगे, उसकी बात चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या है। मेरे पास आज का कॉन्सेप्ट देखो कि अगर मेरे पास ऐसे लिखा, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, ठीक है, या मैं ए बी ए सी लिखता हूं। देखो ये मेरा सी वाला, मैं यहां से इसको इनकाउंटर करता हूं, तो ये मेरा कहलाता है यूनिट डिजिट। ये मेरा क्या कहलाता है? यूनिट डिजिट। ये मेरा क्या कहलाता है? टेंथ डिजिट। और इसको मैं बोलता हूं हंड्रेड प्लेस, इसको टेंथ प्लेस भी बोल देते हैं। क्लियर? तो बेसिकली समझने वाली बात है कि जब भी मेरे पास फॉर्मेशन होती है, इसके बाद थाउजेंड, फिर टेन थाउजेंड, ऐसे करके इनको आगे चलाता हूं मैं। अब इससे रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन एक क्लास में आया हुआ है, माफ कीजिएगा, एग्जाम में आया हुआ है, 2020 के राउंड का क्वेश्चन है वो, ठीक है। बट उस क्वेश्चन में बहुत कुछ खास है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड ऐसे आए हैं आपको। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन देखिए, ये शायद 2020 का क्वेश्चन है जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है, 2020 और 21 में से एक है। देखिए, द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर व्हाइल राइटिंग द इंटीजर फ्रॉम 1 टू 1000। इसका मतलब जब आप एक से लेके हजार तक की संख्याएं लिखेंगे तो पांच कितनी बार आएगा, आपको ये बताना है मुझे। बेसिकली अटेम्प्ट कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिएगा आपका आंसर कितना है, और क्या तरीका अपनाएगा, अगर शॉर्ट में लिख सके तो लिखिएगा। देखो सबसे पहली बात, 1 2, मेरे को बेसिकली देखना क्या, देखो मुझे 1 2 ट्रिपल नाइन तक का देख लू चलेगा। मैं एक से ट्रिपल नाइन की बात करूं या एक से लेके थाउजेंड की बात करूं, बहुत सेम थिंग, बिकॉज पांच ना ट्रिपल नाइन में आता, पांच ना हजार में आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को मुझे कैसे करना है, इस तरह क्वेश्चन को मुझे तोड़ के करना है। देखो पहले मैं अगर 1 2 100 की बात करूं, क्लियर, यहां पर लिख रहा हूं मैं एट यूनिट डिजिट, एट यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। देखो पांच मेरे पास कहां कहां पे आ रहा है, पहले पांच में आ रहा है, ठीक है, फिर पंद्रह में आ रहा है, फिर पच्चीस में आ रहा है, फिर पैंतीस में आ रहा है, फिर पैंतालीस में आ रहा है, फिर पचपन में आ रहा है, क्लियर, फिर किस में आ रहा है मेरे पास, फिर आ रहा है पैंसठ में, 75 85 95, क्लियर। ये मेरे पास वो नंबर जिनमें पांच आ रहा है, सिर्फ मैं अभी यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, मतलब लास्ट वाला, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी अगर मैंने एक से लेकर 100 तक की बात की तो बेसिकली यूनिट डिजिट पे कितने आ रहे हैं, 10। अगर एक में 10 आ रहे हैं तो ये कितने इंटरवल्स है मेरे पास, एक से लेकर 100, 101 से लेकर 200, कितने इंटरवल्स हैं, टोटल 10 इंटरवल्स है मेरे पास। तो टोटल यूनिट डिजिट पे जो मेरे अंक आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, पांच वाले, 100 आ रहे, क्लियर, 100 आ रहे। अच्छा नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करूं टेंथ प्लेस, एट टेंथ प्लेस, अभी मैं एक से लेकर 100 की बात करूंगा, टेंथ प्लेस के लिए बात करूंगा, देखो 50 51 52 53 54 55 लेते हुए ध्यान रखिए यूनिट डिजिट का प्लेस का, मुझे सिर्फ ये वाले प्लेस लेने हैं, 56 57 58 एंड 59, 60 में तो 6 आ गया, क्लियर, यानी कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब एक इंटरवल में अगर 10, तो 10 इंटरवल में कितने आ गए स्टूडेंट्स, 100। बिल्कुल आसान सी बात, मतलब मेरे पास अगर मैं पहले दो प्लेसेस की बात करूं ना, एक से लेके हजार तक, मैं यूनिट की बात करूं, मैं टेंथ की बात करूं, तो मेरे पास तकरीबन 200 नंबर आ चुके हैं। अब देखो अगर मैं बात करूं 501 से 2599, या मैं बेसिकली 500 से लेके बात करूंगा, मैं क्यों मैं फालतू में जन्म रहूं, बेसिकली स्टूडेंट्स मैं बात करूंगा 500 से लेके 599 तक, कितने हो गए, 600 हो गए। मैं ये वाले नंबर्स ले चुका हूं, सारे ये वाले ले चुका हूं, तो मेरे पास कितने बचे, ये वाले, तो ये कितने हैं, ये भी 100 नंबर्स हैं, तो इसमें भी 100 जोड़ दो, तो आंसर कितना आ गया मेरा, 300। अगर आप डिजिट वाइज करोगे हद आसान होगा आपके लिए करना, एज कंपेयर टू कि आप इसको थोड़ा सा मॉडरेटेड वे में जाके किसी और तरीके से लगाओ। बिल्कुल सिंपल है, जब भी आपके पास ऐसा कॉन्सेप्ट है आपने ऐसा ही करना, और ऐसा ही हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है माइक्रो कॉन्सेप्ट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका ही बोल सकते हो। अब चलिए चर्चा करते हैं उसके बारे में, समझते हैं क्या उसमें। देखो माइक्रो कोर्स क्या होता है, माइक्रो कोर्स एक वो प्लेटफॉर्म है
जहां पे आपका पूरा कोर्स नहीं खरीदना, मतलब सारा का सारा खरीदने की जरूरत नहीं है, छोटे कोर्सेज करें और बड़ा फायदा उठाएं। देखिए मैं समझाता हूं आपको। चलिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, चूज एग्जाम करेंगे सीसेट, ठीक है। ऑल सब्सक्रिप्शन, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज एंड दिस अवर अभी बड़े माइक्रो कोर्सेज यानी छोटे कोर्सेज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लॉग इन करके फ्री ट्रायल तो आप ले ही पाएंगे, क्लियर है। जैसे मेंटल मेंटल एबिलिटी की बात करूं, देखो सपोज करो सबसे ज्यादा आपको परेशान कौन सा टॉपिक करता है, नंबर सिस्टम। आप कह रहे हो सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम लपेट लूं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लपेट लूं, बिकॉज यही दो चैप्टर है जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं जैसे नंबर सिस्टम की बात करूं, आपको कुछ नहीं करना, आई बटन पे क्लिक करोगे ना, देखो 2023 में 17, 2022 में 10, 2021 में 9, 2020 में 15, 19 में 7, 18 में 6, ऐसे करके आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन का पता चल रहा है हर चैप्टर के जो आप पोर्टल में जा रहे हैं। इसको ट्राई नाउ भी कर सकते हैं आप, ट्राई नाउ करेंगे देखो क्या मिलेगा आपको यहाँ से। जब आप ट्राई नाउ करेंगे तो 352 रुपये में क्या क्या मिल रहा है आपको, लेक्चर्स मिल रहे हैं, वेब नोट्स मिल रहे हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के सारे खत्म है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आपको थ्योरी मिल रही है, प्लस आपके जो पिछले सालों के सोल्यूशन है ना क्वेश्चन के वो भी मिल रहे हैं, क्लियर। तो अभी के अभी इसको अवेल कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपके लिए। नेक्स्ट जैसे मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करूँ, यहाँ पे पर ईयर के साथ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको ऑन एन एवरेज यहाँ से देखने में पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर की एनालिसिस कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको करने की जरूरत नहीं, हमारी पूरी टीम ने की हुई है, क्लियर। बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ किया हुआ, सारे पेपर के सोल्यूशन पढ़े और माइक्रो कोर्सेज के साथ, माइक्रो कोर्स के अंदर सोल्यूशन ऑलमोस्ट आपके पास है, क्लियर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वांट के, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के भी सारे हमारे पास ऐसे हैं। जैसे कॉम्प्रीहेंशन की बात करूं, 6 लेक्चर्स, ऑलमोस्ट 1000 ग्राउंड क्वेश्चन है 358 रुपीज में। एंटोनिम्स और वर्ड बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पैराग्राफ समझ नहीं आएगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, क्लियर। 423, आई एम नॉट सेइंग वी आर नंबर वन फ्रॉम द लास्ट, और यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के आप कॉल में व्हाट्सएप इंक्लूड कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है मेरे पास, ये 2022 तक के सिलेक्शन से ये कह रही है हम नंबर वन है, आई एम नॉट सेइंग कि मैं नंबर वन, इन बच्चों ने हमें नंबर वन बनाया। जैसे हम बात करूँ स्पर्स की 51 रैंक, अरब की 56, जतिन की 91, और इन्होंने ही अपने हाथों से अपने स्वर्णिम शब्द यहाँ लिखे हुए कि सर हमें ये गाइडेंस मिली, हमें ये फायदा हो, तो नहीं भी लेना मतलब, बट एटलीस्ट पढ़ो, आपको एक आईएएस के शब्द मिल रहे हैं पढ़ने के, तो पढ़िए, उसको पता चलेगा वाई वी आर नंबर वन, क्लियर। तो इस माइक्रो कोर्स को अगर परचेज करना चाहें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फुल कोर्स का भी और आपके फुल कोर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।